हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत सोनकर। मैं अपने यूट्यूब चैनल विंस टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल सचिन चक्कर क्रिकेट चैंपियनशिप हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए अवेलेबल हो जाने वाली है। दोस्तों, कल सचिन चक्कर क्रिकेट चैंपियनशिप का लॉन्च डेट है, तो कल हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में हम रियल सचिन चक्कर क्रिकेट चैंपियनशिप खेल सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कल के बारे में, जो सचिन चक्कर चैंपियनशिप लॉन्च होने वाले उसके बारे में। और दोस्तों, साथ ही साथ कल जो पहले वर्ल्ड क्रिकेट बैटल भी लॉन्च होने वाले थे, अब वो लॉन्च नहीं होगी दोस्तों, उसकी रिलीज पोस्टपोन हो चुकी है। तो उसकी भी मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं गवाते और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल है 7 दिसंबर 2017। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, कल हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए दो बड़ी क्रिकेट गेम्स लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, कल हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए सचिन का सागा क्रिकेट चैंपियनशिप और इसके साथ वर्ल्ड क्रिकेट बैटल लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, आपको वर्ल्ड क्रिकेट बैटल के बारे में सुनकर एक ख्याल आया होगा कि वर्ल्ड क्रिकेट बैटल ने तो अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कल अनाउंसमेंट किया था कि उसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है। तो दोस्तों, वो बात सच थी, पर आज वो जो अनाउंसमेंट है वो डिलीट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आज वर्ल्ड क्रिकेट बैटल ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जो अनाउंसमेंट की थी कल कि उसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है, वो बात आज गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि आज उसने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर वो पोस्ट डिलीट कर दी है। तो दोस्तों, कल हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए दो बड़ी क्रिकेट गेम लॉन्च हो सकती है। मैं पक्का आपको नहीं बता सकता, पर लॉन्च हो सकती है। अगर जो कल वर्ल्ड क्रिकेट बैटल भी लॉन्च हो जाएगी तो मैं आपको उसके बारे में भी एक रिव्यू बना दूंगा। तो मेरे ख्याल से क्रिएटिव मंकीज ने, या तो वर्ल्ड क्रिकेट बैटल के डेवलपर है, उसने ऐसा इसलिए किया होगा कि कल जब उसने अनाउंसमेंट की था तब उसको कई ज़्यादा लोगों ने गालियाँ दी थी और उसकी गेम के लिए बहुत ही बुरा कहा था। ऐसा क्यों कहा था वो भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, वैसा इसलिए कहा था कि वर्ल्ड क्रिकेट बैटल का इंतज़ार हम सब लोग 4 महीने से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4 महीने से हम सब लोग वर्ल्ड क्रिकेट बैटल का इंतज़ार कर रहे हो। दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट बैटल के डेवलपर ने पिछले 4 महीनों से कई ज़्यादा बार उसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है। तो दोस्तों, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं वो तो किसी को भी नहीं पता। सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा उस लोगों ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सब लोग जो डेवलपर है वर्ल्ड क्रिकेट बैटल के, वो सोच रहे हैं कि सचिन चक्कर क्रिकेट चैंपियनशिप में कोई अच्छी बात हो तो हम अपनी गेम पे उस सभी बात को, जो जितनी भी अच्छी बात है वो हमारी गेम में ऐड कर दी है। तो दोस्तों, ऐसी कोई कॉपी राइटिंग करके कोई अच्छा गेम नहीं बना सकता। तो इसलिए भी मेरे ख्याल से, और सब लोग कह रहे हैं कि इसलिए भी वर्ल्ड क्रिकेट बैटल की पोस्टपोन जो रिलीज डेट है वो पोस्टपोन कर दी जा रही है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए पर ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, अभी पक्का नहीं है कि कल हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए वर्ल्ड क्रिकेट बैटल आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आज वर्ल्ड क्रिकेट बैटल ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जो कल अनाउंसमेंट की थी वो डिलीट कर दी गई है। तो मेरे ख्याल से वो कल आ भी सकती है। तो दोस्तों, बाद में हम हमारे दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, तो सचिन चक्कर क्रिकेट चैंपियनशिप कल 110% हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए आने वाला है। उसकी रिलीज डेट अब कोई भी पोस्टपोन नहीं होने वाली है। दोस्तों, कल पक्का हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में सचिन चक्कर क्रिकेट चैंपियनशिप, रियल सचिन चक्कर रियल क्रिकेट चैंपियनशिप हम खेल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सच्ची बात है। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से सचिन चक्कर क्रिकेट चैंपियनशिप की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर वीडियो आ रहा है कि हम इतने दिनों की देरी है। तो वैसे ही आज एक और वीडियो सचिन चक्कर क्रिकेट चैंपियनशिप की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आ गया था। तो दोस्तों, ये जो आप पिछले बैकग्राउंड में देख ही रहे हैं ये वही वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सचिन सर ने बताया था कि कल हमारी एंड्रॉइड डिवाइस के लिए सचिन चक्कर क्रिकेट चैंपियनशिप लॉन्च होने वाली है और वो एक अच्छी गेम है, तो आप उस गेम को डाउनलोड करना मत भूलिएगा और उसको खेलना और क्रिकेट गेम्स को
के जो लवर है, जो क्रिकेट गेम्स के फैन है, वो उस गेम को खेलकर बहुत ही खुश होने वाले हैं। तो दोस्तों कल सचिन का क्रिकेट चैंपियनशिप हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए लॉन्च होने ही वाली है, उसमें कोई संघई नहीं आने वाला है। तो दोस्तों कल जब सचिन का क्रिकेट चैंपियनशिप लॉन्च होंगी तो मैं वो गेम डाउनलोड कर मैं उसका रिव्यू करूँगा हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए, कैसा है वो गेम, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट है, उसमें क्या क्या नई बात है, तो मैं आपको वो वाला वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों बस अब थोड़ा सा इंतज़ार है, कल हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में हम सचिन का क्रिकेट चैंपियनशिप, रियल सचिन का क्रिकेट चैंपियनशिप खेल सकेंगे और मेरे ख्याल से कल वर्ल्ड क्रिकेट बैटल भी लॉन्च हो जाएगा। वो पक्का नहीं है पर हाँ पक्का है कि सचिन का क्रिकेट चैंपियनशिप लॉन्च होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर जो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल विंस टेक्निक को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सभी मित्रों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सभी मित्रों इस वीडियो को देखेंगे और वो भी इस सचिन क्रिकेट चैंपियनशिप को कल डाउनलोड करेंगे और जेट प्ले कंपनी को सपोर्ट होगा उतना ही। तो दोस्तों सचिन का क्रिकेट चैंपियनशिप बहुत ही अच्छा गेम होने वाली है। और दोस्तों आपको पता ना हो तो सचिन का क्रिकेट चैंपियनशिप का बेटा वर्जन आ चुका है, तो उस बेटा वर्जन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो खेलिए, वो भी एक बहुत ही अच्छा बेटा वर्जन है। तो दोस्तों बेटा वर्जन इतना अच्छा होगा तो रियल गेम तो बहुत ही अच्छा होगा, वो आप सबको भी पता है। तो दोस्तों आज के लिए तो केवल इतना ही, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये था वो ये वीडियो, तो आप देख लीजिए सचिन तेंदुलकर सर ने क्या बताया है। और दोस्तों कल मेरे YouTube चैनल पर वो वाला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, सचिन का क्रिकेट चैंपियनशिप का फुल रिव्यू वाला वीडियो देखना भी मत भूलिएगा और मेरे पुराने वीडियोस को भी देखना मत भूलिएगा।